गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुजाता तिर्की, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन और डिप्लॉयमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, मनोवृत्तियों का निर्माण या विकास। स्टूडेंट्स, मनोवृत्तियाँ अर्जित होती हैं, ये जन्मजात नहीं होती। जन्म के समय किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के प्रति उसकी मनोवृत्ति ना तो सकारात्मक होती है और ना ही नकारात्मक होती है, बल्कि वह जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के साथ उनका संपर्क बढ़ता जाता है, जिससे उसे अनेक अनुभव प्राप्त होते हैं। यही अनुभव के अनुरूप उसकी मनोवृत्ति का निर्माण या विकास करता है। एक बार मनोवृत्ति का निर्माण हो जाने पर उसमें परिवर्तन लाना अत्यंत कठिन हो जाता है। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, क्या वे सचमुच मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड, मनोवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया। पहला, एटीट्यूड्स लर्निंग बाय एसोसिएशन, सहचर्य के द्वारा मनोवृत्तियों का अधिगम। जैसा कि आप जानते हैं, छात्र अनेक विषय पढ़ते हैं, परंतु छात्र शिक्षक द्वारा किसी एक विषय में अपना रुचि विकसित कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वे शिक्षक के अनेक सकारात्मक गुणों को देखते हैं, यही सकारात्मक गुण उस विषय के साथ जुड़ जाते हैं जिसे वह पढ़ाता है। अतः किसी विषय के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति शिक्षक एवं छात्र के बीच सकारात्मक सहचर्य के द्वारा सीखी जाती है। दूसरा, एटीट्यूड लर्निंग ड्यू टू रिवार्डेड और पनिशमेंट, पुरस्कृत या दंडित होने के कारण मनोवृत्ति। जिन क्रियाओं या विचारों के लिए व्यक्ति पुरस्कृत होता है उसके प्रति उसकी मनोवृत्ति सकारात्मक रूप में विकसित होती है। इसके विपरीत जिन क्रियाओं या विचारों के प्रति दुखद अनुभव होता है उसके प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति विकसित होती है। जैसे कोई बच्चा अधिक परिश्रम कर परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होता है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है, तो वह उसके प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति बनेगी। इसके विपरीत वह फास्ट फूड खाता है और वह लगातार बीमार रहता है तो इन वस्तुओं के प्रति उसकी मनोवृत्ति नकारात्मक होती है या बनती है। तीसरा, एटीट्यूड लर्निंग बाय मॉडलिंग, प्रतिरूप मनोवृत्ति का अधिगम करना। विभिन्न समयों में व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में दूसरे के व्यवहारों, विचारों आदि को देखकर मनोवृत्ति बनाता है। जैसे कि माता पिता बड़ों के प्रति आदर भाव रखते हैं या सम्मान दिखाते हैं, तो छोटे बच्चे भी उनका अनुकरण कर बड़ों के प्रति आदर की भावना विकसित करते हैं। चौथा, लर्निंग बाय इन्फॉर्मेशन, सूचना के प्रभाव से अधिगम। विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियाँ सामाजिक संदर्भ में होती है, इसमें दूसरों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। आज के युग में संचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भी सकारात्मक या नकारात्मक मनोवृत्ति विकसित होती है। जैसे
किसी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़ने से व्यक्ति जीवन में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम कर सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करता है। फैक्टर्स इफेक्टिंग टू एटीट्यूड फॉर्मेशन, मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, फैमिली एंड स्कूल, परिवार और विद्यालय। माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य बाल्यावस्था में मनोवृत्ति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार मनोवृत्ति निर्माण करने की प्राथमिक पाठशाला होती है। इसके बाद मनोवृत्ति निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेकंड, रिफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह या वह समूह है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ आत्मीकरण बना लेता है, चाहे वह इसका सदस्य हो या नहीं। कोई व्यक्ति किसी समुदाय के साथ आत्मीकरण बना ले तो निश्चय ही उसकी मनोवृत्ति के विकास पर उस समाज के मूल्यों मानदंडों का प्रभाव पड़ेगा। थर्ड, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्ति में मनोवृत्ति का निर्माण व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा होता है। फोर्थ, कम्युनिकेशन मीडियम इम्पैक्ट, संचार माध्यम प्रभाव। संचार माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र एक शक्तिशाली सूचना का स्रोत बना दिया है जो मनोवृत्ति निर्माण एवं परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। संचार माध्यम मनोवृत्ति पर अच्छा एवं बुरा दोनों ही प्रकार का प्रभाव डाल सकते हैं। इसका उपयोग सकारात्मक मनोवृत्तियों को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। थैंक यू।